तो दोस्तों सुप्रिया लाइफ साइंस ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को से मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 132 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल मात्र 112 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 140 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी, 6 से 7% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 92 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 87 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 112 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ठीक है, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है, कंट्रोल ही है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली 28.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 16.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 47% के आसपास की तेजी आपको देखने मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही। गिरावट के पीछे का रीज़न आप ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी को पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में थोड़े से एक्सपेंस ज़्यादा हो गए थे, जिस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 3.54 रुपये था, पिछले साल 2.10 रुपये, अभी देखें तो 2.97 रुपये के आसपास है। लेकिन अब ओवरऑल अगर मैं नंबर को समराइज करूँ तो देखिए कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों में। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है, साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने मिला है। बस क्वार्टर क्वार्टर हल्का सा प्रॉफिट के अंदर गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट उस पर ज़्यादा एक्ट करेगा। ओवरऑल देखें तो नंबर पॉजिटिव साइड पर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।